की सफाई को लेकर मोदी कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। बहुत ही जल्दी इस कैथल शहर में चार चांद लग जाएंगे। नगर परिषद की जो लापरवाही है उससे लगातार जनता को दिक्कतें आ रही हैं। गंदगी के ढेर पड़े हुए हैं और न केवल एक जगह बल्कि पूरे शहर में पड़े हुए हैं। सफाई करने के लिए कोई भी नहीं आता। इसमें न केवल अधिकारी दोषी है बल्कि मैं तो सरकार को भी दोषी मानता हूँ। नगर परिषद की ओर से जो इतने सुंदर तरीके से शहर को सजाया गया है, उनकी सफाई व्यवस्था बिल्कुल ठप हो चुकी है। बिल्कुल की बिल्कुल, आप देखो आपके सामने है जो सफाई व्यवस्था नगर परिषद को करवानी चाहिए थी वो अभी तक दुरुस्त नहीं हो पाई है। नगर परिषद की जो लापरवाही है उससे लगातार जनता को दिक्कतें आ रही हैं। लापरवाही क्या है, पिछले काफ़ी समय से कई दिनों से लगातार सफाई व्यवस्था दुरुस्त नहीं है। बिगड़ा हुआ ये हाल जो है शहर की सुंदरता को बिगाड़ रहा है। लोगों से बातचीत कर लेते हैं। सर क्या नाम आपका? मेरा नाम अजय जी। सर दुकान के सामने इतना सारा कचरा बिखरा पड़ा है, इतने दिनों से सफाई वाले नहीं आ रहे, नगर परिषद के अधिकारियों की जिम्मेवारियों को कैसे देखते हैं आप? बस हम तो कहते हैं भी जल्दी से जल्द कोशिश करके सफाई करवाए जी। ये बड़ी दिक्कत होती है, परेशानी होती है, दुकानदारी करने में भी हमें, बैठने में भी परेशानी है, बीमार होने का खतरा भी रहता है जी। तो मेरी अपील है उनसे कि जल्द से जल्द इसके बारे में कार्रवाई करके इसको सफाई करवाएं जी। सरकार के बड़े दावे और वादे होते हैं अक्सर सफाई व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए। मोदी साहब ने एक अभियान भी चलाया था, नेताओं ने फोटो खिंचवा के सोशल मीडिया पर डाल दी, असली ज़मीनी हकीकत ये है, क्या कहेंगे? हाँ बस सही, कई बार रहता है जब कर्मचारी स्ट्राइक पे चले जाते हैं, लेकिन उनकी भी समस्याएं होती है, तभी वो जाते हैं स्ट्राइक पे, तो उनकी भी सुनवाई की जाए और जल्द से जल्द इस व्यवस्था को ठीक किया जाए ताकि जनता को कोई परेशानी ना आए। तो क्या माना जाए इस सरकार में ना जनता की सुनवाई है ना कर्मचारियों की? देखो इस बारे में तो मैं कह नहीं सकता ऊपर लेवल पे क्या बातचीत होती है। मैं तो यही कहूँगा, अपील है मेरी उनसे कि जल्द से जल्द व्यवस्था को दुरुस्त करें, नहीं तो शहर में बीमारियाँ फैलने का खतरा हो जाता है जी, ना सफाई हो तो इसके बारे में जल्दी से जल्दी समाधान करें वो। हाँ जी, कैथल में बिगड़ी हुई सफाई व्यवस्था को लेकर लोगों का क्या कहना है वही जानने हम पहुंचे हैं। लेकिन त्यौहार का समय है, लोगों को दिक्कतें आती हैं और आवाजाही भी बाधित होती है। और आपको बता दें पिछले काफ़ी समय से जो सफाई नहीं हुई है उससे ये चरमराई हुई अव्यवस्था जो है शहर में कहीं ना कहीं दुर्गंध आती है। त्यौहार का टाइम है तो बातचीत कर लेते हैं दुकानदारों से। जी क्या नाम है आपका? शुभ मित्तल जी। सफाई व्यवस्था कितने दिनों से ठप पड़ी है? सर 4 दिन हो गए, ये कूड़ा ऐसे कैसे पड़ा है, लोगों को बहुत परेशानी होती है गंदगी कारण। दिवाली का त्यौहार आया हुआ है, बहुत बढ़िया, लोग बड़ी शांति सुख से बनाते हैं। आइए तो आप देखो इधर रंगा डला हुआ है, ना कोई सफाई है ना कोई व्यवस्था है। परेशान करने के लिए कमेटी वाले आ जाते हैं दुकानों को, दुकानदारों को भी आप सामान उठाओ ये करो, सफाई करने के लिए कोई भी नहीं आता, ना इसके बारे में कोई विचार उठाता है, कोई भी नहीं उठाता, हर दुकानदार परेशान है। यानी कि नगर परिषद टैक्स लेने के लिए और डंडा चलाने के लिए तो आ जाते हैं, लेकिन जो लोगों को सहूलियतें मिलनी चाहिए वो किस तरह की मिल रही हैं? वो नहीं मिल रही है सर, सिर्फ पीला पंजा चलाने के लिए आते हैं और कोई काम नहीं है। दुकानदार को परेशान करना, उनकी सफाई व्यवस्था बिल्कुल ठप हो चुकी है। बिल्कुल की बिल्कुल, आप देखो आपके सामने है नज़ारा, मार्केट का आपके सामने है, आप देखो। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे उन अधिकारियों को जो अधिकारी अपनी जिम्मेवारी नहीं निभा रहे हैं? मैं तो ये अपील करना चाहता हूँ जी, दिवाली का त्यौहार है, सफाई व्यवस्था में ध्यान रखें, आपके भी बच्चे हैं, सबके बच्चे हैं, आज गंदगी देखो कितनी फैली हुई है, बहुत बुरा हाल है मार्केट के अंदर, सफाई व्यवस्था को सुधारो, बहुत बढ़िया रहोगे। ठीक है, तो ये जो नगर परिषद की ओर से सजावट की गई है शहर की, इसके बारे में हम जानने पहुंचे थे, लोगों से क्या कुछ राय है? सर जिस तरह हम घर को सजाते हैं शहर को इस तरह से सजाया नगर परिषद ने, क्या कुछ कहा? बहुत बढ़िया सर, कह रहे उन्होंने बहुत बढ़िया से कुछ जा सकता, गंद पड़ा बहुत दूर रही है, हम डाकरे पास रहते हैं, वहाँ बुरा हाल हो रहा है, बीमार हो सर, कुछ नहीं, कोई काम नहीं करी नगर पालिका। क्या कहेंगे जो सरकार जो है और नगर परिषद में चेयरमैन है, बहुत से ऐसे जिम्मेवार लोग हैं जिनको ये काम करवाना चाहिए था लेकिन हो नहीं पाया, करने लगे अब क्या करेंगे, मतलब क्या क्या थके लिए, कोई नहीं करता है, जमीन गंद शहर में गंद पर पब्लिक का कोई ध्यान नहीं है, सबको अपना अपना ध्यान है, पब्लिक का कोई ध्यान नहीं है। ठीक है जी, और लोगों से बातचीत कर लेते, क्या नाम भाई साहब? मेरा नाम सुबे सिंह है। शहर में जब आप आते हैं खरीदारी के लिए नहा धो के आते हैं और 3-4 दिनों से बदबू उठी पड़ी है, क्या कहेंगे सर? इसको पहली बात तो रात को सफाई होनी थी इसकी, पूरी गलियों की रात को सफाई होनी थी, पता है भाई सुबह बाजार सजेंगे, पब्लिक आएगी, बाहर से भी लोग आएंगे, तो कैसा लगेगा हमारा शहर, इसमें हमारी बदनामी होगी, उस शहर में ऐसी गंदगी फैली हुई है, तो सफाई तो बहुत ज़रूरी है। मैं तो सबसे रिक्वेस्ट करूँगा वो अपनी अपनी दुकान आगे से सफाई करे और हमारे शहर को साफ रखे, स्वच्छ रखे, इसे ना तो बीमारी फैलेगी और ना गंदगी फैलेगी, यही कहना चाहता हूँ मैं पब्लिक से, हाथ जोड़ के कहना चाहता हूँ कि सफाई आज रात को भी हो जाए तो बहुत अच्छा लगेगा कल को भी, क्योंकि कल को भी बड़ी दीपावली है,
तो ये मैं कहना चाहता हूँ पब्लिक से। चलो ठीक है। तो हम जानने पहुँचे थे कि शहर की जो व्यवस्था है वो किस तरह की, यानी कि सफाई व्यवस्था अभी किस हाल में वो दिखाएंगे हम, और दिखा रहे थे आपको तमाम बातें जो लोगों का कहना है, तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा पा रहे हैं। लेकिन आपको बता दें, जहाँ पुलिस वाले कर्मचारी या नगर परिषद के कर्मचारी हैं, लोगों पर हंटर चलाते हुए नजर आते हैं, लेकिन देखने वाली बात यह है कि जो सफाई व्यवस्था नगर परिषद को करवानी चाहिए थी वो अभी तक दुरुस्त नहीं हो पाई है। गौरतलब है कि करनाल में आज मुख्यमंत्री को आना था, तो आनन फानन में करनाल के सभी जो अधिकारी हैं वो सड़कों पर आए और वहाँ पर सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करवा दिया। अब सीधा सवाल या निशान ये है कि क्या VIP के आने से ही शहर की सफाई होगी, क्या बड़े लोगों के आने से ही सफाई होगी? तो ये सीधा सवाल या निशान है लोगों के गाढ़े खून पसीने की कमाई से जो टैक्स लिया जाता है नगर परिषद के द्वारा, ये काम अब कौन करवाएगा? सीधा सवाल या निशान है, क्योंकि नगर परिषद की ओर से जो इतने सुंदर तरीके से शहर को सजाया गया है, ये बड़ा सवालिया निशान है उनकी कार्यशैली पर। तो हम जानने पहुंचे थे कि अभी शहर का हाल क्या है, तो तमाम तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे और बातचीत करेंगे लोगों से कि क्या कुछ प्रतिक्रिया है लोगों की इस मामले में।